गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे ये ब्लॉग आएगा आपके पास परसों, तब तक आप लोग सेलिब्रेट कर चुके होंगे। और आज हमारी सोसाइटी का जो पार्क है वहाँ पे भी गेट टुगेदर होता है, लेकिन हम दोनों तो नहीं गए बिकॉज काम भी बहुत सारा था। छोले भटूरे खाते हैं वहाँ पे सारे, मतलब सोसाइटी की तरफ से ही अरेंज किए जाते हैं। हमको छोले भटूरे भी नहीं खाने थे और हमने सोचा हम घर पे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ पकौड़ी और अरायना ने आज पहन अभी नहीं बताऊंगी, अभी अरायना को बाद में मैं मिलाऊंगी आप लोगों से। और मैं तो अभी रेडी नहीं हुई, बस मैंने नहाया है और लड्डू को नहलाया है, गणेश जी को और लड्डू को, और आपको दर्शन करा देती हूँ जल्दी से उनके। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो ये मैंने लोबान जला दिया है और ये आप दर्शन कर सकते हैं हमारे लड्डू के। आज मेकअप सारा उतार दिया क्योंकि दही और नींबू से नहलाया मैंने, क्योंकि अब जन्माष्टमी का मेकअप होगा ना, तो इसीलिए बिना मेकअप के भी चमक रहे हैं हमारे लड्डू जी सारे। मैंने जो आईज वगैरह का मेकअप हम लोग करते हैं वो सारा हटा दिया है और दही से रगड़ रगड़ के लड्डू को नहला दिया है। दोस्तों रिंग लाइट लगा रखी है, मैं दिखाती हूँ सेटअप, दिखाती हूँ अपना, ये रहा हाथ में ही पकड़ी है, हाथ में रिंग लाइट। अब मैं अगर रिंग लाइट हटाऊंगी ना, देखिए ये रोशनी नहीं है ना इस कमरे में, ट्यूबलाइट खराब रखी है। तो ऐसे करके ऊपर से मैं रोशनी करती हूँ हाथ पे पकड़ के रिंग लाइट को। तो बोलिए, क्या बोलिए, राधे राधे बोल देना नी। और गाइज आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी तुलसी जी हैं घर के बाहर, और मैंने यहाँ पे तुलसी के गमले में एक छोटा सा फ्लैग लगा रखा है, ये देखिए। और मेरी तुलसी जी इतनी अच्छी हो रही है इस बार, ये वैसे इंडोर प्लांट है लेकिन मैंने बाहर लगा रखा है। और एक और भी चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये मनी प्लांट मेरा इतना फल फूल गया है, देखिए मैंने इस तरीके से कील ठोक दी थी और जो मैंने क्लिप मंगाए थे वो ऐसे लगा दिए थे कहीं कहीं पे। तो ये मेरे घर के बाहर इस तरीके से मैंने थोड़े से प्लांट्स लगा रखे हैं। और कूड़ा तो इग्नोर करना ही पड़ेगा। तो जी अरायना को बहुत लग चुकी है भूख और वो मेरे खोपड़ी पे खड़ी हो रखी है कि जल्दी से कुछ बनाओ कुछ बनाओ। तो मैं जल्दी से, मैंने आलू अरे तो वैसे काट के रखे हैं, तो मैं बना लेती हूँ जल्दी से पकौड़े, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। दोस्तों नींद ने गुस्से से क्यों घूर रही है, भूख लग रही है बंद करो, देख लो दोस्तों कह रही है भूख लगी है बंद करो। वैसे मैंने तो अभी तैयार नहीं हुई, बस घर की टॉप पहनी है और नीचे दिखाऊं क्या, अभी इनको रेडी करा जाएगा ये अभी होंगी अभी गाइस। इसमें पूरे अरायना के कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं, हैं बिल्कुल एकदम बढ़िया, और जो नए भी हैं वो पहनती नहीं है काफ़ी टाइम से। तो ये हम सारा क्या बोलते हैं ना, डीक्लटरेशन कुछ ऐसा वर्ड आता है, यानी कि वार्डरोब में अगर नए की जगह बनानी है तो पुराने की भी हटाने भी तो पड़ेंगे। और ये सारे मेरे हैं और ये सारे हम डोनेट कर देंगे, मतलब दे देंगे किसी को। सारी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ हैं ये, कोई भी दिक्कत नहीं है इन कुर्तियों में, ये सारी कुर्तियाँ हैं। लेकिन मैं इनको काफ़ी पहन चुकी हूँ और अब मेरे काफ़ी नए जो कपड़े हैं उनको रखने की जगह भी नहीं हो रही थी। तो ये कपड़े जो शायद मैं काफ़ी पहन के उब चुकी हूँ, किसी के लिए बहुत काम आ सकते हैं, तो हम ये भी दे देंगे। मैं इसलिए नहीं दिखा रही कि दे देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोग कितना कितना करते हैं, इसलिए कि भाई अगर आप जितने भी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो क्या होता है, समटाइम हमको रखने के लिए जगह नहीं हो रही होती, लेकिन हम इतना मोह माया में पड़ जाते हैं कपड़ों के कि हम उनको निकाल नहीं सकते अपने वार्डरोब से। तो क्या होता है कि ये किसी के काम आ जाए, अगर ऐसे आपके भी पास में स्टॉक है जो आप पहनते नहीं, आप ये देखिए कि ये जो पर्टिकुलर कुर्तियाँ हैं या टॉप है या जीन्स आपने कितने टाइम से नहीं पहने हुए, तो उस हिसाब से उनको दे दीजिए ताकि किसी और के भी काम आ जाए। क्या हो गया इसको, ये है हमारा ग्रीन चिली सॉस, आलू के पकोड़े मजेदार, दिखने में तो अच्छे लग रहे नन्नी। और ये हम दोनों की चाय। नन्नी ने पहनी है कुर्ती मम्मी की चुरा के, और ये मैं ऐड कर रही हूं। और मैंने भी कुर्ती पहनी, इन्होंने मुझे कॉपी करके पहनी है, मैंने भी कुर्ती पहनी है, मुझे कॉपी करके नन्नी ने भी कुर्ती पहनी है, और नन्नी ने मेरा थोड़ा थोड़ा मेकअप भी किया है। कुछ नहीं किया, बस आईलाइनर और लिपस्टिक लगाई है। नन्नी मैं उस दिन ज्यादा मेकअप करके तो भद्दी लग रही थी, कम मेकअप करके अच्छी लग रही हूँ, है ना नन्नी? नहीं नन्नी, तो किसी एंगल से अच्छी लग रही है, तेरे को गलतफहमी हो गई है।
दोस्तों नन्नी मेरी तारीफ मनी मन करती है, मैं नहीं करती, सामने से नहीं करती, नहीं करती मैं नन्नी करती है दोस्तों, करती है नन्नी, नहीं करती, बहुत तारीफ करती है मनी मन नन्नी मेरी, है ना। और इनको कैसे पता कि मैं मनी मन बुराई करती हूँ, तारीफ करती हूँ? माइंड रीड करना सीख लिया मैंने, जैसे अभी तू गाली भी दे रही है मुझे, है ना, नहीं दे रही हूँ। तो चल ठीक है नन्नी, अब हम दोस्तों अभी हम घूमने जाएंगे, तो आप फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों, हम नकली का ताजमहल बनाएंगे। तो दोस्तों ये इसने मुझे जानबूझ के ऐसे बैठने को बोला है, कह रही है कि बंदर के जैसे बैठो और ऐसा करो जैसे केला खा रही हूँ ऐसे। करो ऐसे करूँ अभी, बैक कैमरा। लोग बाहर 15 अगस्त मना रहे हैं, हम यहाँ बंदर बन रहे हैं, ये जगह है। तो यार वो अब क्या चला रहे थे ना, अभी वो चला रखा था, क्या चला रखा था, ओम जय जगदीश हाय, भजन है वो। तो वो क्यों बजा रखे इंडिपेंडेंस डे पे, सारे खत्म हो गए देशभक्ति के गीत, आले चले तुम्हें। कोई बेहोश तो नहीं हुआ, सब जिंदा है इधर, तारों के शहर में। अब तो पक्का हो गया होगा। तो दोस्तों सोसाइटी में जो फंक्शन हो रहा है, तो हम तो गए नहीं, लेकिन मतलब ठीक है, लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो गा तो रहे, हम तो वो भी नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि ना हमको पीस चाहिए, हम इसलिए पीस की तलाश में, शांति की खोज में, हम नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत गाड़ी है। नहीं नहीं हम अभी जाएंगे तो हम ढूंढ लेंगे। क्या है वहाँ आइसक्रीम? तो हम जा रहे हैं घूमते हुए, अभी और कितने मिल जाएंगे नहीं, अभी तो गला भी नहीं सूखा, थोड़े चले अभी, और आपको भी दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, अभी दिखाएंगे जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। हाँ ऐसे ही जा रहे हैं घूमने हम। गाइस ये हमारा फेवरेट वाला पार्क, मेरा नहीं है, हमारा मत बोलो। हाँ मेरा, और हम यहाँ आ चुके हैं, अब हम घूमते घामते उस वाले पेड़ तक जाएंगे जो पेड़ हमारा दोस्त है। अच्छा आपको जो पेड़ से देख रहे, ये जिंदगी में इतना अकेला क्यों महसूस कर, आ जा हमारे साथ, हमारे में कुछ नहीं है माता। डांस कर रहे छुछ वाला, कितना ये वाइट वाले को उठा के लेके चले। हेलो हेलो बेबी, सो रहे हो क्या? दोस्तों यहाँ पे ना वाइब्स ही अलग होती हैं, उसका मैं रीज़न बता देती हूँ आपको, क्योंकि इस पार्क में इतने सारे पेड़ हैं और यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जो हर बार चहचहाती रहती हैं, ची 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 ची। देखो कुत्ते क्यों दिख रहे हैं आज? कुत्ते बहुत हैं इस पार्क में, पहले मेरे दोस्त भी बन गए थे थोड़े से, तो इसीलिए मुझे ये पार्क बहुत पसंद है, नेचर के बिल्कुल करीब। क्यों मैंने क्या किया? कहती ब्लडी रान का। तो क्या होता है वो? कुछ तो होता ही है, लेकिन गाड़ी उसका मतलब होता है अच्छे लड़के। नहीं ब्यादी का मतलब अच्छे नहीं होता, बदमाश होता है। अब मुझे पहाड़ी नहीं आई थी, मुझे ऐसे नहीं सकता। और राण का मतलब लड़के, नहीं राण का भी कुछ होता है यार, नानी से पूछूंगी। खतरनाक गाली होती है, पता है मुझे, मैं नानी से पूछूंगी। तो पहाड़ी में, पहाड़ी हो गया, पहाड़ी में गाली भी नहीं दे सकते आप, इतना भी हक नहीं है हमारे पास। नहीं है नानी, वो हमारा पेड़ कहाँ है वो? चल कहाँ है? सो गाइज ये हमारा पेड़ है जिसपे हम चढ़ के फोटो क्लिक करा करते थे, ये बिल्कुल धनुष के वहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से आता है और यहाँ से भी जमीन पे, मतलब इसके दोनों छोर जमीन के अंदर है इस पेड़ के। ऐसे दिखाती हूँ आपको, ऐसे पता नहीं क्या है, किस चीज के है, किस चीज का पेड़ मेरे को ये भी नहीं पता, लेकिन ये जो भी है पत्तों का पेड़ है, आप देख सकते हो पता होगा। तो धूप हो रही है तो क्या हुआ फिर? चलो ना, कहाँ चलूं? घर। चल हम उस तरफ चलते हैं पार्क के, हम पीवीआर की साइड जा रहे हैं वॉक करते करते, अगर हमको कुछ दिख गया खाने पीने का तो हम खा पी लेंगे, अगर गर्मी होगी तो हम घर ले जाके फिर खाएंगे, तो देखते हैं और आपको भी ले चलते हैं। एक बार तो मैं सोच रही थी कि हम ना आज मूवी बुक कर लेते हैं, और वो आई है ना आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, लेकिन मैं आमिर खान की कोई भी मूवी नहीं देखने वाली हूँ आज से, इसलिए मैंने बुक नहीं करी। ऐसे ही उसने कुछ बोला हमारे धर्म के लिए, तो जो भी एक्टर हमारे धर्म का अपमान करेगा उसकी मूवी हम भी देखेंगे। फोड़ दो मेरी बुला से, तो कोई किसी को भी देखे उसका सर फोड़ दो। मैंने नहीं देखी क्योंकि उन्होंने बोला था अपनी मूवीज़ में, मैं बताऊंगी तुझे बाद में, वीडियो में नहीं बताती, लेकिन जो भी था सही नहीं था,
इस वजह से बहुत सारे लोगों ने बायकॉट कर दिया कि हम आमिर खान की मूवी नहीं देखेंगे। हम भी करेंगे। हाँ हम भी, हम मैंने तो कर रखा है ना, मैं नहीं देख रही। हसन में बड़ा प्यार क्या है ये? कल अपना भजन हो रहा और अच्छा। मंदिर के लिए थोड़ा बहुत दान लोगों को मिल गया तो ले लिया। अच्छा, भला करे भगवान तुम्हारा रोजी रोटी में बरकत हो आपकी। थैंक यू, बड़ो तरक्की करो, होशियार रहो, पढ़ गई मैं। हाँ जी अंकल, कुछ कर नहीं रहे अंकल ने, वहाँ पे सारे अपने वो रख रखे हैं, पूजा पाठ की कुछ चीज़ें रख रखी हैं और वो कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क है, लोग आते होंगे तो उनको कुछ दक्षिणा दे देते होंगे। अंकल क्यूट थे। अंकल क्यूट थे, ठीक है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं पीवीआर, सामने पीवीआर है, तो अब करते हैं रोड क्रॉस और कुछ खाने के लिए चीज़ ढूंढते हैं, सस्ता जुगाड़। अब देखना है इसको। ओ कवे, ओ कवे, उठ उसके ऊपर से, ओए। कोई नहीं कोई नहीं, आप करो अपना। तो गाइस हम घूम भी लिए, हमने वीडियोस भी बना ली, हमने फोटोज भी क्लिक कर ली, और हमने अपने लिए मोमोज भी पैक करा लिए। अब हम सीधे जाएंगे घर, इतनी सारी वॉक हो गई है आज हमारी अननेसेसरी। तो ठीक दोस्तों, यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल। मतलब यहाँ से अब रास्ता नहीं बदलेंगे हम लोग। इंडियन लोगों की यही तो विशेषता है। बस बस अब भाषण नहीं करना, मुझे पता है एकता में, एकता एकता नहीं नहीं, मतलब इतने वैरायटी के लोग यहाँ पे मिलते हैं ना, जिसकी कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब सब वैरायटी में मोमो से ज्यादा हो रही है आजकल। किससे ज्यादा हो रही है? मोमो से। और प्ले ही नहीं कर रखा। वाह वाह वाह। तो मैं ये कह रही थी कि मैं किसी तरफ भी मुड़ जाऊँ, इस पार्क में बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। इस तरफ ये सफेदा के पेड़ है। सो गाइस 11 बज रहे हैं रात के, और अब वक्त है कि आज के ब्लॉग को हम एंड करते हैं, आपको अलविदा बोलते हैं। और क्योंकि कल अरायना का स्कूल है, मेरा ऑफिस है, बहुत दो दिन हमने रेस्ट भी कर लिया, काम भी कर लिया, बट ऑफिस का जो ऑफिशियल काम है वो पेंडिंग रह गया दो दिन का। तो लाइफ में सब चीज़ ज़रूरी है, ऑफिस के जब डेज होते हैं तो घर के काम छूट जाते हैं, तो ऑब्वियसली दो दिन का रेस्ट था तो ऑफिस के काम छूट गए, तो वो सारे कल समेटने हैं। थोड़ी देर में पढ़ाई करूँगी, एक स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मैं अभी बज रहे हैं 11, तो मैं 12:30 तक कोशिश करती कि सो जाऊँ, लेकिन आपसे चाहेंगे अभी विदा, आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे।